हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस स्ट्रेंजर स्टोरी। और आज का वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। अगेन आपने थंबनेल देख के तो पता लगा ही लिया होगा। बात करते अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो मेरा कि अंडर 200 बेस्ट डीओ फॉर गर्ल्स, तो बहुत ही ज़्यादा आप लोग ने पसंद किया था और उसको काफ़ी ज़्यादा मेरे वीडियो वो बहुत अच्छी गई भी थी, आपने बहुत पसंद किया था। तो मैंने सोचा क्यों ना फिर एक नया वीडियो लेकर आए इस बात पे, बेस्ट ऑफ 2021। तो मैंने काफ़ी दो तीन डीओ को अपने लिस्ट में शामिल किया है। पिछला भी आप अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, वो भी बहुत बेस्ट है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन या आई बटन पे मिल जाएगा। हाँ, 2 से 3 मैंने डीओ को ट्राई किया है और दिस इज़ रियली अमेजिंग। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और इंस्टाग्राम पर चाहे तो मुझे फॉलो कर लीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट जो है मैंने ट्राई किया इंगेज का। इंगेज क्या बहुत ही ज़्यादा मैं बड़ी फ़ैन हूँ, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में इंगेज का सिल्वर वाला का जो है रिव्यू किया था पूरा, मैंने उसको यूज़ करने के बाद ही आपको बताया है। स्टीम पावर बेस्ट है, उसकी जो स्मेल है वो भी बहुत अच्छी है, अफोर्डेबल रेंज में है। तो अगेन इंगेज का मैंने इस बार लिया है। परफ्यूम का जो स्प्रे है वो, और ये है W2, क्योंकि इसके काफ़ी वेरियंट है, W1, W3, और तब मैंने टेस्ट किए थे, टेस्टर सबके रखे हुए थे, तो इस वजह से मैं इसकी जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसकी क्वांटिटी जो थोड़ी सी कम है, 120 ml ही मिलेगा आपको। जो प्राइसिंग है वो 200 से थोड़ी सी अबव है, 210 rupees है इसकी MRP, बट मुझे ये मिली है 180 rupees में, विच वॉज गुड डील। और क्योंकि मैंने ये लिया था सुपर मार्केट, आप अपनी कोई सी भी ग्रोसरीज या सुपर मार्केट से लेते हो तो वैसे भी इसमें काफ़ी अच्छा डिस्काउंट आपको मिल जाता है। सेकेंड जो चीज़ है, अगर आप ऑनलाइन ग्रूफर्स बिग बास्केट से भी लेते हो तो भी इसमें आपको डिस्काउंट मिलता है। और इसी के साथ साथ ये इसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छी। मैन्युफैक्चरिंग है इसकी 12/20 और इसकी एक्सपायरी जो है वो है 11/23। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसकी जो है शेल्फ लाइफ है वो भी बहुत अच्छी है। ऊपर से इसको थोड़ा सा ओपन करिए, ये एक तो ट्रांसपेरेंट बॉटल है, उसमें पूरा आपका प्रोडक्ट दिखता है। परफ्यूम का क्या रहता है ना, गैस वाले जो रहते हैं वो आपके ज़्यादातर वेस्ट हो जाता है, क्योंकि इस फॉर्म में निकलते हैं ज़्यादातर, अब वो बहुत जल्दी भी ख़त्म हो जाते हैं। बट इसका यह रहता है स्प्रे फॉर्म में निकल रहा है, एज अ परफ्यूम आपका काफ़ी अच्छा चलता है। यहाँ पे थोड़ा सा गोल्ड टाइप का उसने टच दिया है, वो जाके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे आपको मैं स्प्रे करती हूँ और स्मेल इट्स रियली गुड। ये अगर वो उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा हार्श जो होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं चाहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा माइल्ड भी नहीं है कि बहुत भीनी सी लगे या फिर थोड़ी देर में ये बिल्कुल आउट हो जाए, इसकी कोई स्मेल ना आए, वो ये इस तरह की बिल्कुल नहीं है। जो मीडियम में चलना चाहते हैं, नॉट स्ट्रॉन्ग, नॉट सो सॉफ्ट एंड माइल्ड, तो उनके लिए ये वाला बहुत ही अच्छा वेरिएंट है। ये मुझे स्पेशल बहुत पसंद आया, और एक तो मुझे मेरा प्रोडक्ट भी दिखता रहेगा कि कितना है कितना नहीं है, दैट्स विच वे कूल। तो ये मुझे काफ़ी पसंद आया इंगेज का। W2 है ये, इस पर डायरेक्टली लिखा है, ये है W2। इसके W1, W3 भी हैं, बट इसकी स्मेल ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। फिर मैंने ये ट्राई किया, अब तक मैंने इसे बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया था, फिर मैंने सोचा इसको भी ट्राई करते हैं। ये है यार्डले एज अ लैवेंडर कलर। लैवेंडर आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में है, क्लोथिंग से लेके आपके हर एक थीम एक्सेसरीज में लैवेंडर पर्पल कलर बहुत सुंदर लगता है। तो इसकी ये पूरी पैकेजिंग है एक्चुअली यार्डले का। ये है यार्डले लंदन इंग्लिश लैवेंडर, इसका है नाम इसने के प्रोडक्ट का। और ये है 150 ml 96 ग्राम, और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो अक्टूबर 2020 है और सितंबर 2023 तक इसकी एक्सपायरी है। और इसकी जो प्राइस है वो 190 है, अगेन 200 के अंदर है, और ये मुझे कॉस्ट पड़ी है 160। यस, ये मुझे 160 की पड़ी है, और ये बहुत भी अच्छा है। इसकी स्मेल बहुत ही गजब है, इस तरह से इसका लुक है, और मैं इसको स्मेल करवाती हूँ आपको यहाँ। इसकी जो होती ना थोड़ी सी फ्लावर फ्रेग्रेंस है, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि हम केमिकल फ्रेग्रेंस तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते, ये थोड़ा सा अलग लगा। विच फ्लावर फ्रेग्रेंस, कभी कभी इस तरह की भी फ्रेग्रेंस आपको ट्राई करनी चाहिए, ये बहुत अच्छा है। और ये भी इसकी जो स्टेइंग पावर है वो 6 से 7 घंटे रहेगी, और इसकी जो इंगेज की स्टेइंग पावर है वो है आपको आराम से एज अ परफ्यूम, जैसा कि आप पेट्रोलियम जेली के साथ अब आप अपने रिस्ट पे लगा के देन इसको स्प्रे करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा
चलेगा, यानी ये आराम से आपके 8 से 10 घंटे इवन समर्स में भी चलेगा, उसी को ध्यान में रख के मैंने लिया है, क्योंकि विंटर्स तो चले ही गए, तो समर्स के लिए ये बहुत ही अच्छा है, कूल है, और लैवेंडर का समर स्पेशल है ये, बिल्कुल इतनी अच्छी इसकी फ्लोरल फ्रेग्रेंस है, तो इस वजह से ये दोनों ही मुझे बहुत पसंद आए। और थर्ड वन मैंने फिर से यार्डले का ही लिया है, यार्डले का है ये एक मिनी पॉकेट जो है डियो, वो इस टाइप का है, और इसकी जो 70 रुपीज़ है एक्चुअली इसकी प्राइजिंग है, और ये 18 ml का है, और ये काफ़ी अच्छा फ्रेंडली है, और ये काफ़ी मुझे बहुत कूल लगा। इसका जो नेम है पूरा वो है मॉर्निंग ड्यू कॉम्पैक्ट परफ्यूम, 18 ml का प्रोडक्ट है। अब हम इसे दिखाते हैं आपको ये कि कैसा है। तो अगेन ये भी एक पर्पल कलर में है, ये काफ़ी अच्छा है, ट्रैवल फ्रेंडली है। जब भी मैंने कभी ये ट्राई नहीं किया, पता नहीं क्यों मैंने कभी इसे ट्राई नहीं किया, बट इट्स रियली कॉम्पैक्ट और बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है, क्योंकि हमें कभी भी जाना रहता है या हमको 2 से 4 परफ्यूम, क्योंकि मेरी आदत है मैं एक तरह का अगर थोड़ा लंबे वेकेशन पर जा रही हूँ या फिर कहीं भी जा रही हूँ तो थोड़ा सा अगर लंबा स्टे करना है तो एक ही परफ्यूम को कर करके बोर हो जाते हैं, तो इतने बड़े बड़े 2-3 परफ्यूम, स्पेशली आप बाय एयर जाओगे तो आपको रखने में प्रॉब्लम होती है, आपको अपने चेक इन बैगेज में डालना पड़ता है, हैंड बैगेज में अलाउड भी नहीं है ये सब, तो बड़ी टिटम्मा रहते हैं इन सब के। तो इस तरह के आप ट्रैवल फ्रेंडली पॉकेट फ्रेंडली जो है इस तरह के डियोज 2-3 वेरिएंट के खरीद सकते हो, बहुत ही अच्छा है, ज़्यादा जगह भी नहीं लेगी, इवन आपके डेली यूज़ में आप समर्स वगैरह में जिनको स्वेटिंग की बहुत प्रॉब्लम है, स्मेलिंग की बहुत प्रॉब्लम होती है, उनके लिए काफ़ी कन्वीनियंट है ये, इतना बड़ा ढोने से अच्छा है आप इस तरह के चीज़ों में इन्वेस्ट करो। 70 रुपीज़ का है ये, और ये बहुत ही कूल है, इस तरह से स्प्रे करके मैं दिखाती हूँ आपको, स्मेल सो गुड, मतलब बहुत ही रिफ्रेशिंग है, तो ये है बहुत ही सही है, और इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है, तो ये मैंने ट्राई किया और आई रियली लव दिट। आपको भी इस तरह की जो है, जो इन ट्रैवल ज़्यादा करते हो, सामान आप इतना ज़्यादा नहीं छूट सकते, इवन रियो और इसके लिए परफ्यूम्स की भी बॉटल जो है वो इतनी बड़ी और बल्की होती है, उन्हें भी ले जाना सही नहीं होता है, बट दिस रियली गुड, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये था मेरा, तीनों मैंने लिए थे डियो इस बार, इंगेज, यार्डले, और ये मैंने मिनी वाला भी लिया है ये फ्रॉम यार्डले, और इसकी भी, इसकी फ्रेग्रेंस अलग है, इसकी फ्रेग्रेंस अलग है, क्योंकि ये मॉर्निंग डियो है, इसका थोड़ा सा मैंने बताया फ्लोरल फ्लावर इफेक्ट है, और ये भी बहुत अच्छा रिफ्रेशिंग है। तो और स्टेइंग पावर इसकी भी 4 से 5 घंटे रह लेती है, हाँ इतना रहती है ये। तो अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होना तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिए, इसके लिंक अगर अमेजोन वाले मिलेंगे तो मैं नीचे दे दूंगी आपको, और वीडियो प्लीज़ आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊँ वो जरूर मुझे बता दीजिएगा। बाय, लव यू, सी यू सून, फिर मिलेंगे नए वीडियो में।